साहेबगंज बढ़रवा रेलखंड यानी कि डाउन रेल एक दुर्घटना हो गई है सुबह, और जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसा बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था और इधर ही यहां घूर रहा था। आपका कौन गांव है ये? मेहदीपोखर के आसपास रेलवे ट्रैक रोल नंबर 214/9। और यह ट्रैक पर रेलवे लाइन पर यहाँ देखिए जैसा लग रहा है कि रेलवे लाइन पर यह बैठा हुआ था और साहेबगंज की ओर से गाड़ी आ रही है, मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है और गाड़ी से इसकी टक्कर होती है, डेड बॉडी आपके सामने गिरा हुआ है वहाँ। कभी कभी ऐसी भी घटनाएँ हो रही है, अभी रेलवे लाइन पर बैठ करके वीडियो बनाना या बैठ करके ऐसे बेमतलब का बैठना और मोबाइल देखना या रेलवे ट्रैक पर मोबाइल लेकर के देखते हुए और रेलवे ट्रैक से जाना यह दुर्घटना का कारण हो सकता है। आप मोबाइल में व्यस्त हैं या बैठे हुए हैं, आप बातें कर रहे हैं, यदि आपका ध्यान मोबाइल पर रहेगा और गाड़ी के तरफ यदि आपका ध्यान नहीं जाती है तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती है। हालांकि यह मानसिक रूप से जैसा लग रहा है देखने में कि मानसिक रूप से यह बीमार है, लेकिन फिर भी आम पब्लिक के लिए भी यह सीख लेने की चीज़ है। कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती है। कान में आप ईयरफोन कान में कभी कभी ईयरफोन लड़के को हम देखते हैं कि ईयरफोन लगा करके और रेलवे ट्रैक के बगल से जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ गई या सामने से गाड़ी आ गई, ईयरफोन के कारण उन्हें पता नहीं चलता है, वहाँ भी दुर्घटना होती है। मेरा संदेश यही है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से आज की जो युवा पीढ़ी है उनको बचना चाहिए। रेलवे ट्रैक पर मोबाइल का प्रयोग या बैठना या आप सड़क पर चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, हेलमेट भी नहीं पहने हैं, उसके बाद ईयरफोन भी लगा हुआ है, तो ये सब दुर्घटनाओं का कारण है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपको सावधान और सतर्क रहना है।